नमस्कार सभी को। सुबह सुबह हम विवांडेश्वर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चल यार, अब चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से उधर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, ये भूमिया थान है। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप। इस समय कम से कम मैं 4000 फीट की ऊंचाई पे हूँ। काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। छोटे छोटे बादल पीछे हिमालय पर्वत जो अभी दिख नहीं रहे बादल के कारण। 4000 फीट की ऊंचाई पे हूँ। कितना बढ़िया चौड़ा रोड कटा है। किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सीधे पंचायत घर पे हम आगे सब उतरेंगे। 2 मिनट का पैदल का रास्ता और सीधे घर पर। तक दनी से विवांडेश्वर को जाते हुए हम सब बड़ी माँ मम्मी और ये बैठा के रास्ते में जा रहे हैं हम सभी। कुछ ही देर में विवांडेश्वर मंदिर आने वाला है। डीजे विवांडेश्वर जय जय। विवांडेश्वर मंदिर आ चुका है। हम विवांडेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। सामान निकाल रहे हैं। विवांडेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। ये काफी पुरानी दुकान है। इसको 110 साल हो चुके हैं इस दुकान को। ये बाबू यहाँ देखो। जाओ। हलवा का और चने का भोग लगेगा। और सभी पंडित जी यहाँ लोग बैठे हुए हैं दुकान पे, चाय वाय पी रहे हैं। पंडित जी के पास आ चुके हैं। एक बार हेलो कर दो इसमें। हेलो कहो सबको। नमस्कार तिवारी परिवार वालों को। सबका वेलकम तिवारी परिवार वालों को कहो। वेलकम है परिवार वालों को। ठीक है। ओके ओके। वहाँ भोग लग रहे हैं। तक हम आ चुके हैं। ये हम कार पे गए। रोड आ चुकी है। नीचे हमारा घर। बस देखो ट्रांसफार्मर ये रहा, जेसीबी ये रही, आगे गाड़ी हमें छोड़ के जा रही है। ये हमारे ठेकेदार अंकल जी हैं। इन्होंने हमारे मंदिर घर सब इन्होंने ही बनाया। इन्हीं की देन है। गाड़ी आई है देखो यहाँ तक। और ये जेसीबी आगे ये
ऊपर मथिर वाले बुबू जो हरिया बुबू उनके वहाँ बस स्टैंड बनेगा, तो रोड वहाँ के लिए कटाई चल रही है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। अब हमें रास्ता